बाल केस में गुड्डू बम्बाज एसटीएफ के हाथों आने से बाल बाल बच गया। गुड्डू बम्बाज कैसे बचा आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले गुड्डू बम्बाज के बारे में अहम बात जान लीजिए। गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बम्बाज उमेश पाल केस के प्रमुख आरोपियों में से एक है। 24 फरवरी को उमेश पाल की जब हत्या हुई तो जिन लोगों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें गुड्डू मुस्लिम भी प्रमुख था। सबसे बड़ी बात, अन्य हत्यारोपी गोलियां चला रहे थे जबकि गुड्डू मुस्लिम अकेला था जो बम फेंक रहा था। गुड्डू मुस्लिम स्कूल के समय से ही अपराध जगत में आ गया था और उसी समय से वह बम बनाने में भी माहिर हो गया था। अतीक के गैंग से जुड़ने से पहले वह यूपी में आतंक के पर्याय रहे श्री प्रकाश शुक्ला और उसके बाद परवेश टाडा के गैंग में भी शामिल रहा था। परवेश टाडा के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद के गैंग में वह शामिल हो गया। अब उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम प्रमुख आरोपियों में शामिल है। इस केस में जिन लोगों के ऊपर 5 लाख रुपए इनाम रखा गया है उनमें गुड्डू मुस्लिम भी एक है। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में नेपाल तक जाकर खोजबीन कर चुकी है। वहीं अब ये बात भी सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ में ही छुपा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ में छिपा था। इसकी सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कॉम्बिंग भी की, लेकिन जब टीम ने छापा मारा तो उससे पहले ही गुड्डू मुस्लिम उस जगह से फरार हो गया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे चढ़ने से बाल बाल बच गया। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी पश्चिमी यूपी में कहीं छिपा हो सकता है। इसी के चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर, एटा, अलीगढ़ आदि इलाकों में टीमें पता लगा रही हैं। पुलिस की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तक छापेमारी कर रही हैं। इसके अलावा नेपाल और थाईलैंड में भी एसटीएफ की स्पेशल टीमें जांच करने के लिए गई हैं। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक के बेटे असद सहित 5 लोगों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस केस में अभी तक 2 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ था जिसमें अरबाज की मौत हो गई थी। इसके बाद 6 मार्च को दूसरा एनकाउंटर हुआ था जिसमें विजय उर्फ उस्मान की मौत हो गई थी। इसके अलावा सदाकत सहित कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राजू पाल हत्याकांड साल 2005 में हुआ था। अब इस केस के गवाह उमेश पाल की भी हत्या हो गई। आगे इस केस में क्या होता है इस पर तमाम नजरें लगी हुई हैं। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के हाथ से निकल जाने से पुलिस की टीमें अफसोस जरूर कर रही होंगी। अगर गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हाथ लग जाता तो ये इस केस में अभी तक की शायद सबसे बड़ी सफलता होती। हालांकि इस केस में 2 एनकाउंटर भी हो चुके हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से गुड्डू मुस्लिम पुलिस को कई राज बता सकता है। अब आगे इस केस में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।